क्वीन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, ओके, हैंगमैन, बॉटम में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आप अभी तक जिन थॉट्स में स्टक चल रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आपको इस वीक में क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ देखिए पेंटिकल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं और अपनी लव लाइफ के लिए आप ज्यादा मुझे हेडेक लेते हुए नहीं दिख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा हेडेक ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं. आप अपनी पार में आ चुके हैं, आप में बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुकी है, या आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है कि अब आपने सोचा है मुझे सिर्फ खुद पे ध्यान देना है. आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में या आपका पार्टनर ही क्या सोचते हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये अच्छी चीज है एक्चुअली कि आपने खुद पे ध्यान देना चालू कर दिया है. मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है. तो मैं बता दूं कि आप इस वीक में बहुत सारा एबंडेंस, या आपने फिलहाल में कुछ मनी सेव करना स्टार्ट किया है, अभी तक आप मनी को ज्यादा सेव नहीं करते थे, आपने अब सोचा है कि आप जितना सेव करेंगे आपके फ्यूचर में काम आएगा. मे बी आप अपने बिजनेस के पर्पज से उसको बचा रहे हैं और उसमें लगाना चाह रहे हैं, है ना. तो आपने बहुत ज्यादा पेंटिकल्स को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया एक्चुअली, बट आप इस वीक में बहुत ज्यादा सोच समझ के अपने पेंटिकल्स को इन्वेस्ट करेंगे. अगर बिजनेस में भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करेंगे, और अगर आप जॉब के पर्पज से देखेंगे तो आपको, आप कोई ऐसी जॉब सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना. खैर ऐसी जॉब तो सभी देखते हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, बट आप इस वीक पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने वाले हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में. और पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, क्वीन ऑफ वॉन्स है और नाइट ऑफ वॉन्स है, दोनों वॉन्स के कार्ड आए हुए हैं. तो पहले तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख लिया है, आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, अपना नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं. एक्चुअली मैं बोलूं मतलब अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में कौन एंटर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. नाइट ऑफ वॉन्स के साथ तो कोई तो भी पर्सन मे बी आपकी लाइफ में इन एंड आउट सिचुएशन में रहता है, तो अब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब आपने देख लिया है कि भाई इसका नेचर ऐसे ही है, ये कभी नहीं सुधरने वाला, तो आपने बोला कि भाई आप ऐसे ही बने रहो, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पेंटिकल्स पे ध्यान देना है. ऐसे स्टक सिचुएशन में कब तक रहूंगी, या स्टक सिचुएशन में आप कब तक रहोगे, है ना. तो आपने बहुत मीन्स लग रहा है मुझे इस वीक में आप कोई मेजर डिसीजन अपनी लाइफ से रिलेटेड लेने वाले हो, और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप जब तक अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन नहीं लेते हैं आप कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. क्योंकि आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कुछ मेजर डिसीजंस अपनी लाइफ के लेने ही पड़ते हैं, तो वो टाइम मुझे इस वीक में लग रहा है कि आप आगे आके कोई तो भी डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड और अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड. आप अभी तक बैलेंस जो नहीं बना पा रहे थे ना, इन दोनों सिचुएशन में स्टक चल रहे थे, तो आप इस वीक में मुझे बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं. अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस मूड में है. टू ऑफ पेंटिकल्स अभी भी अपनी लाइफ में जगली कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्या चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है. आप भी शायद इनकी थिंकिंग से परेशान हो गए, तभी आपने सोचा कि भाई आपको जो करना है करो, मैं तो अपनी लाइफ में सेटल होना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है ना. नाइट ऑफ कप्स, बॉटम में आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स. इनके जगल करने की अपनी लाइफ में, ये ना दो सिचुएशन में स्टक चल रहे हैं. एक तो ये आपके पास आना चाहते हैं, दूसरी तरफ इनके इमोशंस, इनके थॉट्स इतने ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं, या कुछ लोगों का इनको साथ इस टाइप का मिला है कि वो लोग इनकी लाइफ में कुछ तो भी ड्रामा क्रिएट करके रखे हुए इस मून कार्ड के साथ, या उनके इन्फ्लुएंस में ये आके आपको कोल्ड शोल्डर देके चले गए आपकी लाइफ से. बट अब इनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि आप ही इनके सोलमेट है, आपको कप ऑफर करना है. देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्स. ये जो कप है वो आपके पास लेके आना चाह रहे हैं, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी पर्सनैलिटी अपनी बिल्डअप कर ली है ना कि अब लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट. तो आपके पार्टनर ने मैं जगल कर रहे दो पेंटिकल्स एक्चुअली ना, ये दो चीजें में स्टक हो गए ना, वो एक तो इनकी लाइफ का ड्रामा जो इन्होंने खुद क्रिएट करके रखा है, जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लग रहा है ये खुद लेके आए, खुद इन्वाइट किया है प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इनने अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों को बिठा के रखा है जो इनका माइंड डाइवर्ट करते रहते हैं, ये लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं. ओके, दूसरी चीज है कि आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं.
बट ये जो अभी सारे कार्ड्स निकले हैं सारे थिंकिंग मोड के ही निकले हैं, मुझे कोई मेजर एक्शन तो अभी इनका इस वीक में दिखा नहीं, तो मैं और कार्ड्स निकालना चाहूंगी एक्शन के पर्पस से कि इस वीक में वो कोई एक्शन ले सकते हैं कि आपके सही। ये ना जो ड्रामा क्रिएट किया है और आपको कोल्ड शोल्डर दिया है उसके बाद से ना ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइप के बंदे हो गए हैं, इनको ना रियलाइजेशन हो गया अपनी चीजों का, इन्होंने जो किया है कि आपके साथ इन्होंने क्या किया है और किन लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया है, तो उस चीज से बहुत ज्यादा दुखी टाइप के हो गए। थ्री ऑफ कप्स, डेविल, ओके। मैं बता रही हूँ ना, मैं पहले ही जैसे ही मून कार्ड आया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि इनकी लाइफ में कुछ लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया है और वो लोग ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव काइंड के पीपल हैं, इनका माइंड डाइवर्ट करते रहते हैं, इनको जो आज इनकी ये सिचुएशन है ना इतने ज्यादा उदास हो चुके हैं तो इनकी वजह से हुआ है। ये चाहते तो थ्री ऑफ कप्स है, चाहते आपके साथ सेलिब्रेशन है, अपनी लाइफ में खुश होना चाहते हैं, बट सारी प्रॉब्लम्स अगर किसी के द्वारा क्रिएट की गई है तो वो डेविल है, इनकी लाइफ के ही कुछ लोग। तो मैं आपको एज अ सजेशन बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं तो आप उनको एज अ सजेशन बता सकते हैं कि वो उन लोगों से दूर, जितना दूर रहेंगे उतना वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके माइंड पे कंट्रोल कुछ लोगों ने करके रखा है, डेविल काइंड के पीपल्स ने उनके माइंड पे कंट्रोल करके रखा है। तो मैं तो बोलूंगी कि अगर आपका उनसे कॉन्टेक्ट है तो आप उनको थोड़ा सा उनकी हेल्प करिए, ओके, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा मेंटली उनकी सिचुएशन मुझे स्टक लग रही है। बाकी फिर भी अभी कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं निकला है, चाहते तो हैं आपके साइड एक्शन लेना, चाहते हैं आपके साथ वापस से रियूनियन करना, थ्री ऑफ कप्स की पोजीशन में जाना। क्या कोई वो एक्शन ले सकते हैं इस वीक में आपके साइड? बैक ऑफ द माइंड उनके क्या चल रहा है? बैक ऑफ द माइंड हैप्पीनेस चल रही है, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ ही हैप्पीनेस चाहते हैं, सारी चीजें ना आपके साथ, मैरिज भी आपके साथ चाहते हैं, चाहते बहुत कुछ है बैक ऑफ द माइंड, बट इन रियलिटी वो चीज अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? इस डेविल की वजह से, नेगेटिव पीपल्स की वजह से। बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो मैं एक बात बता दूं, बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है, तो सबका बदलता है, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, वक्त बदलेगा जरूर, ऐसे ही इनके साथ हो रहा है, कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना आ जाए इनकी लाइफ में, अब ये टाइम आ चुका है, इस वीक में वो कुछ मेजर शिफ्ट देख सकते हैं, वापस से वो अपनी हैप्पीनेस के साइड, वापस से वो आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं आपसे स्टेबिलिटी से रिलेटेड, अपनी हैप्पीनेस से रिलेटेड, या कुछ भी आपसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ इस वीक में वो मेजर शिफ्ट देख सकते हैं अपनी लाइफ में, मे बी आपसे वो शेयर करें कि उनकी लाइफ में किस टाइप का शिफ्ट आ रहा है, आप भी कुछ शिफ्ट फील कर सकते हैं। तो अच्छा वीक है, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट व्हील ऑफ फॉर्चून आया ना तो ये जो कार्ड है ना ये सारी सिचुएशन को चेंज कर देता है, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो पॉजिटिव शिफ्ट आता ही है। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर से अगर आपकी कम्युनिकेशन होता है तो आप उनको बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, और नहीं कांटेक्ट है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन में चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे इस वीक में। तो बहुत अच्छी रीडिंग निकली है।